हमारा फैसला ठीक नहीं है भाईजान, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने ये निकाह कबूल ही नहीं किया। अबे निकाह तो हो गया ना, अब वो माने कबूल करे ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है। किसे फर्क पड़े ना पड़े, मुझे तो फर्क पड़ता है ना भाईजान। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बस बस एक दफा अपने मुंह से कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। क्या 2 रुपए की कॉल करते हुए मौत पड़ती थी तुम्हें? ये छोटी बात है, बताई नहीं जाती थी? उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? तुमने मेरे सर में जूतियां पड़वानी है? सबने यही कहना ना कि अपने भाई पे इत्बार किया था इसने। मेरा भाई, अब तो फैल को मत बताना कि वो रात से गायब है। उसे यही कहना कि सुबह तुम उसे छोड़ के दफ्तर गए हो। बात सुनो, पैसे वैसे वो पूरे देता था ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेके कराची भाग गया? मेरे ख्याल है तो फैल आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ तो फैल साहब, सब खैरियत तो है ना? जानू गायब है, दुकान बंद पड़ी है। तो कहाँ चला गया, किसी से पता करें, इर्द गिर्द से लोगों से पूछें? फोन कर अपने भाई को, पूछ उससे। भाई से तो अभी मेरी बात हुई है, वो कह रहे कि उसने सुबह दुकान पे छोड़ा था उसको, उसे नहीं पता। आप फोन पे बात करके देख लें। बच्चा क्या हुआ? कराची फोन ना कर ले, इससे क्या देख रहे हैं, जा भी तो सकता है। ये ना हो कि हम हर जगह ढूंढ ढूंढ के अलकान हो जाएं, वो अपने बाप के पास पहुंचा हुआ। ना तो जब मैंने कहा था कि उसे साथ ले जाते हैं तो तुझे क्या तकलीफ थी, सारे उल्टे सीधे मशवरे देती है मुझे। तो फैल साहब, मैंने तो आप ही का भला सोचा था ना, सोचा था कि दुकान चलेगी तो नुकसान नहीं होगा, मुझे क्या पता था कि आफत सर पे आ पड़ेगी। तो फिर मान ले ये बात कि तेरी सारे मशवरे गलत होते हैं, इसलिए मुंह बंद कर अपना, कर लूंगा जो मुझे करना होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तू क्या चाहती है, मैं खुद फोन करके उन्हें बताऊं कि जानू गुम हो गया है? फोन करके बताने की क्या जरूरत है, सिर्फ फोन करना है, ये बताना है कि हम साथ खैरियत के घर पहुंच गए हैं, आगे जो भी मामला होगा वो खुद ही बता देंगे। शुक्र है आपको मेरी बात समझ में आई। फोन पकड़ा मुझे। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, पहुंच गए आप खैरियत से? हाँ हाँ जुल्फी, पहुंच गया। मैंने सोचा कि फोन करके तुझे खैरियत बता दूं। और घर में तो सब खैरियत है ना? अरे भाई कोई खैर नहीं है यार। क्यों, क्या हुआ, सब खैर तो है? वो तो लगता है मुझसे दुश्मनी करने आई है इस घर में, सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। अभी बोल रही थी मुझे कि छोड़ ना, तूने क्या करना उसके साथ बात करके, बस अपना काम चला ही जा। और ये बात तो तू जानता है ना, लड़की थोड़ी कड़क है,
लेकिन आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे। अरे भाई कोई ठीक होने वाली नहीं है वो, अभी थोड़े दिन पहले मुझे कह रही थी कि मेरी इज्जत करो जैसे वो शौहर हो और मैं बीवी हूँ उसकी। अच्छा वो कहती है मेरी इज्जत क्या करो, वाह भाई चार जमातें पढ़ ली है ना, टट्टा तो करेगी, लेकिन तू टेंशन ना ले, हाँ खुद ही समझ जाएगी सब कुछ। काम की बात कर रही अच्छा तू कहाँ पर है, घर पे है क्या, बात करा मेरी अम्मा से? नहीं भाई मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर निकला हूँ, अभी घर पहुँच के मिस बेल देता हूँ आपको। कब से बाहर है तू? अभी थोड़ी देर पहले आया था, वो एक काम था ना। अच्छा ये बताएं कि जानू किधर है, ठीक है ना वो? हाँ हाँ जानू तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होना है, ट्यूशन पे गया है सनी के साथ। अच्छा चल तू फिर घर पहुँच, मैं करता हूँ फोन तुझे। ठीक है भाई ठीक है, मैं घर जाकर ना मिस बेल दूंगा आपको। अब ये कराची भी नहीं पहुंची, आ जाए एक दफा हड्डियां तोड़ दूंगी, खाल लोच लूंगी उसकी। तू तो वक्त बंद कर, दरवाजा बंद कर, खाल उतार नहीं, मर जाए किसी ट्रक के नीचे आके, जनाजा जाए उसका कराची, ऐसे ही जान छूटेगी उस बकसात से। अल्लाह ऑलमाइटी ये बड़ा करो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ पढ़ा इसको भी, बना दे इसको भी अपने जैसा, ना दीन का पता ना दुनिया की खबर, और तू जो बहुत शेर बन रही है इसके बलबोते पर, चल उठ यहाँ से, जा चाय बना कर ला मेरे लिए। इससे बात मत करें आप, मुझसे बात करें, मेरा गुस्सा इस पर क्यों निकाल रही हैं? अच्छा तो अब अपनी पोती से बात करने के लिए मुझे तुझसे इजाजत लेना पड़ेगी। देख मैं तुझे समझाए दे रही हूँ, सीधी तरह से रह यहाँ पर। आपको पता है दीन दुनिया का, ये जिसे आप चोंचले कह रही हैं ना, ये हुक्म है मेरे अल्लाह का, और बाकी सबकी तरह आपकी पोती पर भी फर्ज है कि इस हुक्म को पूरा करे। अपने बच्चों को तालीम से रोकना कितना बड़ा गुनाह है, कुछ एहसास है आपको? अल्लाह का शुक्र है हमारी आंखें खुली हैं, 5 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया था, और लड़कियों की तरबियत घरों में होती है स्कूलों में नहीं। तुझे देखकर तो इस बात का पक्का यकीन हो गया मुझे, अंग्रेजी की किताबें पढ़ के तेरा क्या ख्याल है कि तू जन्नत में जाएगी? इस खुशफहमी में मत रहना इसकी माँ की तरह से, उसका भी यही रोना था। आपकी इस बात पे मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शहजादी को पढ़ने से रोक सकती हैं, स्कूल से निकाल कर उसे बेच सकती हैं, तो ये भूल है आपकी। अब आप ऐसा नहीं कर सकती, शहजादी पढ़ेगी और जितना चाहेगी उतना पढ़ेगी। मैं भी देखती हूँ ये सब कुछ कैसे होगा, और मुझसे जिद लगाने का नतीजा भी तुझे पता चल जाएगा। नाक से लकीरें ना मैंने निकलवाई अपने पैरों में, तो मेरा नाम भी शमसा बेगम नहीं है।
कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। मैं नमाज पढ़ रही थी। ये क्या बनाया है? खाना बनाने की तमीज भी खत्म हो गई है, ये क्या है? ये घर में जो था बना दिया मैंने। अंडा बना के ला दो मुझे, ले जाओ, मैंने नहीं खाना। अंडा फ्रिज में पड़ा हुआ है, तेल खत्म हुआ हुआ है, लाना पड़ेगा। अजीब जाहिल औरत हो तुम, जब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं उस वक्त बताती है। मुझे नहीं पता, खुद जाके लाओ, जाओ लेके आओ और बना के दो मुझे। वो हाजी साहब की दुकान तो कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी और दूसरी दुकान जरा दूर है, मेरा इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। आप ला दें, मैं बना देती हूं। खा नहीं जाएगा तुम्हें, मुनासिब नहीं है, जाओ किसी पड़ोसी से कुछ मांग लाओ, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझ में हिम्मत नहीं है लोगों के सवाल सुनने की, मुझे तो शर्म आती है, सारे मोहल्ले में थू थू हो रही है और सब कह रहे हैं कि गुलजार साहब की इतनी लायक फायक पढ़ी लिखी लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने रातों रात उसका निकाह कर दिया। ना बाबा, मैं सामना नहीं करूंगी। मैं जबान खींच लूंगा तुम्हारी, खुदा की कसम, बस कर दो बकवास। मैं सही कह रही हूँ गुलजार साहब, ऐसा का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, सबके जबान पर एक ही नाम है, गुलजार साहब की बेटी। अब किस किस को बताएं कि गुलजार साहब ने तो अपनी बेटी से रिश्ता ही खत्म कर दिया अपनी इज्जत और नाम बचाने की खातिर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी सब गुलजार साहब की बेटी ही कहते हैं। चाहती हो कि मैं ये उठा के तुम्हारे सर पे दे मारूं? तुम ये चाहती हो? चाहती हो ये ले जाओ, जाओ दफा हो जाओ यहां से। मेरे सर पे मत खड़ी हो, चली जाओ। अहला कहाँ चले गए? अहला, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई और सारी रकम चली गई। अरे कोई है जुल्फी? अरे जुल्फी, जुल्फी। बिजली और तारा भी आती होंगी, बस उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुंह से कुछ बोल तो सही, चुप क्यों बैठा हुआ है? जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, कह देना कि गुरु ने मना किया है, नहा रही है वो। जी ठीक है ना? जी। शैम्पू भी खत्म हो गया।
कहाँ गया था तू कल रात से? वो मैं क्या है? उसे क्यों भाग के गया था? मुझे आपसे डर लग रहा था। मुझसे डर लग रहा था? डरावनी शक्ल दिखती है क्या तुम्हें मेरी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। दोपहर से मैं और कैथल भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बड़े पापा आ गए? हाँ, और तेरी वजह से आए हैं वो। बड़े पापा को बताए? और नहीं तो क्या, हम दोपहर से ढूंढ रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। और कैथल भाई बड़े गुस्से में है। और हाँ सुन, तो मैंने नहीं बताया कि तुम कल मुझसे भागे थे। अरे अरे अरे, रो क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं वो बोलेंगे। बड़े पापा मारेंगे मुझे। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा ना। नहीं, वो मारेंगे ना। और अगर हम ज्यादा देर यहाँ खड़े हुए ना, वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें देख लिया ना, तो फिर मैं भी नहीं बचा सकूंगा। आप बचा लेंगे मुझे? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्लीज बचा लीजिएगा। चलो मेरे साथ चलो, कुछ भी नहीं होगा। मैं ढूंढ लूंगी, मगर मैं तुझे ये बता देती हूँ कि इसके बाद तेरी बीवी इस घर में नहीं रहेगी। अरे अम्मा, पहले ढूंढ तो लो, बिला वजह किसी पे इल्जाम लगा रही हो। किसी पर नहीं, तेरी बीवी पर। तू पूछता क्यों नहीं उससे कि कहाँ छुपाए हैं उसने पैसे? मैं आपको आखिरी मर्तबा बता रही हूँ, आपके पैसे मैंने चोरी नहीं किए, और ना ही उन हराम के पैसों पर मेरी कोई नजर थी। अब मानना ना मानना आपके अख्तियार में, आप तसल्ली से अपने सर्च ऑपरेशन खत्म करके मुझे बता दीजिएगा। देखा तूने, अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगाया जाए ना, तो वो इस तरह से सुकून से जाता है। वैसे तो इसकी जुबान पड़ 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 बोलती है, और अब देखो तहम्मुल से बात करके चली गई है। मगर अम्मा, तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से? वो कमेटी डाली थी ना मैंने। कमेटी? कौन सी कमेटी? वो तो तुम ले चुकी थी पहले। तो वो दूसरी थी। माँ पर शक कर रहा है क्या? नहीं, शक नहीं कर रहा। वो आयजा चोरी नहीं कर सकती अम्मा। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, हैं? क्या पता आयजा को घर से निकालने के लिए ड्रामा रचा रही हो। लानत है भाई तुझ पर, नशा कर करके तेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। चल दफा हो, ढूंढने दे मुझे पैसे। एक लाख रुपया? इसको कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। इन्होंने भी कम नहीं लूटा मेरे तुफैल साहब को। भैया तो पागल ही हो जाए। आई आई हूं ना बाबा। मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई? ये अपनी मजबूरियों के झूठे सच्चे किस्से सुनाने आई हो? इस तरह बात मत करो प्लीज। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, बल्कि बात करना तो दूर की बात है, तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे खुल के रोने देना। हाय तुफैल साहब, कुछ पता चला जानू का? तू जल्दी से जा, मेरा शनाख्ती कार्ड लेके आ। इस वक्त शनाख्ती कार्ड का क्या करेंगे? अब पुलिस स्टेशन जाना है, रिपोर्ट दर्ज करानी है गुमशुदगी की। हाय अल्लाह, पुलिस तो बिला वजह तंग करेगी मेरे भाई को। पुलिस का और काम ही क्या है, कहीं उस पर इल्जाम ही ना लगा दे। वो कौन सा दिन होगा जब मैं तुझे कुछ बोलूंगा और तू बगैर मुंह से बात निकाले मेरा काम कर देगी? अरे पुलिस ढूंढे ना ढूंढे, उसे पता तो होना चाहिए इस बात का। क्या पता वो ढूंढ ही ले, और ना भी ढूंढे तो मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ ना। जल्द जल्दी लेकर आ। यार मुसीबत में पड़ गया।
हाँ बोल, क्यों भागा था और क्या कह रहा था? तुझे मुझसे डर लगता है? हैं? मुझे घर जाना है। छोड़ा तो मैं तुम्हें, अचार नहीं डालना मुझे तेरा। और बात सुन, अगर बड़े पापा को ये पता चला कि तुम मेरे पास से भाग के आयो तो छोड़ूंगा मैं नहीं। बस ये याद रखना कि इस बार तो घर छोड़ दूंगा, अगली बार नहीं लेके जाऊंगा, कि मार दूंगा मैं तुझे। आई समझ तुझे? जी जी, नहीं बोलूंगा। और बात सुन, जो जो मैं तुम्हें बोलूंगा वही वही तुमने बड़े पापा को बोलना है, ना एक लफ्ज आगे ना एक लफ्ज पीछे, ठीक है? जी ठीक है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो नुकसान तुम ही उठाओगे, बड़े पापा से मार अलग खाओगे और मैं तुझे मार दूंगा। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा, बस प्लीज मुझे घर ले जाएं। और ये देखें, इसे गौर से देख लो, आज के बाद जो कुछ मैं कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना होगा, आगे समझ? अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये मैं मार के ना आंते निकाल के बाहर फेंक दूंगा। जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। आप पियो ये। मुझे नहीं पीनी है। मासी, ये सूट इस अलमारी में नहीं रखना। क्यों? ये अम्मी लेकर आई थी, वो नए नए कपड़े संदूक में रखती थी। संदूक में? जी, मेरे लिए। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं, बाद में संदूक में रखते हैं। अम्मी, मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री कर दिया था ना? उस मुसीबत से जान छुटती तो करती ना, अभी तो खाना खा मैं करती हूँ। अम्मी, जानों को किसी ने किडनैप किया है ना? हमारी इतनी अच्छी किस्मत, कहाँ आ रहा है वो, लेने गए हैं तुम्हारे पापा उसे। कहाँ गया था? नहीं नहीं बड़े पापा। बता बता। तुझे पता है ना कितने परेशान थे हम लोग तेरे लिए? हैं? वो जवाब दे। वो बड़े पापा, आप वो मुझे ना बस का नंबर नहीं आता, वो और वो मुझे बस वाले ने कहीं और उतार दिया था बड़े पापा। अबे तो तुझे आफत क्या पड़ी थी कराची जाने की, कोई उठा के ले जाता? हैं? मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ कर दूं? हैं? माफी से तेरा गुजारा हो जाएगा? माफी से? हैं? बस जवाब, तूने घर से कदम बाहर निकाला कैसे? निकालेगा? चल सीधा सीधा। नहीं बड़े पापा, बड़े पापा आप ना मुझे नहीं मारे, आप मुझे ना पापा के पास वापस छोड़ कर आ जाए प्लीज। पापा के पास छोड़ के आ जाए? तुझे छोड़ता हूँ ना मैं तुझे पापा के पास। पिछली मार भूल गया है? पिछली मार भूल गया? वो सुबह पापा को रोके, वो मार रहे हैं उसे। तू अंदर चल, जाएगा तू निकल के घर से बाहर, बता रहा हूँ मैं तेरी खाल खींच लूंगा खाल। जानता नहीं है तू अपने बड़े पापा को? जमी बेटा देखो तो सही, कैसा है ये? तुम्हारे लिए लेकर आई थी मैं। मेरे लिए? बहुत अच्छा चल रहा है अम्मी। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। फाइजा जी कैसा है? बहुत खूबसूरत लग रहा है। अम्मी ये कितने का है? माँ से कीमत नहीं पूछा करते, तुम्हें पसंद आ गया ना? बस ठीक है, अब मैं तुम्हें सी दूंगी। नहीं नहीं, इस सीट पर तुमने पहनना। नहीं अम्मी, सी मैं खुद ही लूंगी। भाई मुझे आपकी सिलाई पसंद नहीं है। देखो तो सही, कैसी बातें कर रही है।
सही तो कह रही हूँ, आपसे अच्छा सीती हूँ ना मैं। अच्छा बाबा, खुद ही सी लेना, लेकिन पहन लेना। अच्छा पहन, थैंक यू। तुम दोनों यही रुको, मैं बीबी साहिबा को बुला के लाती हूँ। अभी बुरा मत मानना आपा, ये तुम्हारे घर का मसला है। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूंगी मैं उनसे? अरे तुम्हें तो इज्जत विज्जत रास नहीं है, तुमने इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथों से गवा दिया। क्या अल्लाह ना करे, मैंने रिश्ता कैसे गवा दिया, क्यों गवा दिया? मैंने तुम्हें कहा है ना मैं करती हूँ कुछ। मेरा ख्याल है कि बस अब वो जो तुमने शहजादी की शादी के लिए रकम ली थी ना, वो मुझे वापस दे दो, मैं किसी भी तरह से समझा दूंगी गुलाम साहब को। अरे वो रकम वो मैं वापस क्यों कर दूँ? मेरा मतलब ये है कि देखो, हमने जुल्फी की शादी की है ना, शहजादी की तो नहीं की। अरे तुम भी कमाल करती हो, तुम्हें पता तो है वो वट्टा सट्टा करेंगे। ये तुम बात तो करो, हम तो वट्टा सट्टा के बगैर ही अपनी शहजादी का हाथ देने के लिए तैयार हैं, और अल्लाह ने चाहा तो जुल्फी का भी वही होगा रिश्ता। देखो तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो, तुम ये जाके गुलाम साहब को बताओगी ना तो वो सब समझ जाएंगे। हाँ मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, रकम का मामला है ना, अगर बात बिगड़ गई ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो तुम तो खा मक्का से डर रही हो, तुम मुझे ले चलो साथ में, मैं बात कर लूंगी गुलाम साहब से। नहीं नहीं बस तुम रहने दो, अब तुम ऐसा करो वो जो रकम है ना वो तुम तैयार रखो, अगर गुलाम साहब नहीं माने ना तो उनको वापस भी तो देनी है। हाँ जाहिर है रकम तो देनी होगी ना वापस, मगर तुम फिक्र ना करो वो मान जाएंगे जरूर। आयशा तुम यहाँ पे कैसे? शहजादी बेटी है मेरी। बेटी? You're not married. क्यों हैरान कर रही हो? आओ अंदर आओ। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है जहांगीर, मैं बस तुमसे ये कहने के लिए आई हूँ कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, शहजादी के इलाज पे जो रकम खर्च हुई है मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। नहीं आयशा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो कि मोहलत मिलेगी या नहीं। आयशा तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम एक दफा मेरी बात सुन तो लो प्लीज। पैसे तो मैं तुम्हें जरूर वापस दूंगी, बस इतना एहसान कर दो कि नजमा खाला को इस हवाले से दोबारा तंग ना किया जाए, मुझ पे बड़ी मेहरबानी होगी। और हाँ ये फेसबुक और सोशल मीडिया पे लोगों से हमदर्दियाँ दिखाना बंद कर दो, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं वो ये देखकर रुक जाते होंगे कि उनकी मदद हो गई। तुम कहना क्या चाह रही हो, यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब अगर तुम्हें ना समझ आता तो तुम इस लहजे में मुझसे ना पूछते। नजमा आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा और अम्मी को मत बताइए। देख क्या रहा है, पी जा। अब्बा के पास जाएगा? जी
चल ठीक है, अब जाऊंगा ना, तुझे साथ लेके जाऊंगा। आप कब जाएंगे? ये तो बेटा अभी नहीं पता मुझे, अभी कल ही तो आए हैं, लेकिन ये मेरा वादा है तुझसे, जब भी जाऊंगा तुझे साथ लेके जाऊंगा, हैं? लेकिन तुझे भी एक वादा करना पड़ेगा मुझे। वादा कर, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा, घर से नहीं भागेगा तू। चल आज शाम को तेरी बात कराऊंगा तेरे बाप से, ठीक है ना? पिया पिया। कुछ तो कहो, कुछ पूछ ही लो। क्यों आई हो? पता नहीं, मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई? ये अपनी मजबूरियों के झूठे सच्चे किस्से सुनाने आई हो? इस तरह बात मत करो प्लीज। इस तरह से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, बल्कि बात करना तो दूर की बात है, तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। नफरत करता हूँ तुमसे। हाँ तुम्हें खुदा का वास्ता, इस तरह मत कहो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत नहीं हुआ मुझसे। हक खाला, खाला आप प्लीज हाथ को समझाएं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है मैंने। अलैकुम तफैल भाई। वालेकुम। वो है? हाँ है, निकल ये दे। ये भिजवा उसे, चल काम किया कर, खड़ा हुआ। भाई तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही और मिलने भी नहीं आ रही हो, खैरियत तो है? क्या मतलब, रिश्ता देने से इनकार कर दिया उन्होंने? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे छोटी उम्र की लड़की से शादी करनी है। पक्की उम्र की लड़की की सोच भी पक्की होती है। मुझे अपने बच्चों के लिए दोस्त की जरूरत है जो मेरे बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहे। सौतेली माँ नहीं चाहिए उनके लिए। उनसे बात करो और निकाह की तारीख तय करो और आ जाओ किसी दिन मिलने। पैसे रखे हुए तुम्हारे। खुदा हाफिज़। भी तुझे कोई शक है कि ये पैसे तेरी बीवी ने नहीं चुराए? अब बता
शहजादी को बगैर पैसे के कैसे छोड़ेंगे वो। तो ये बात तुम बार बार मुझसे क्यों करती हो? जिसने चोरी की उससे बात करो, मुझसे क्यों बोल रहे? हाँ तो इस मुसीबत को तो मैं ही लेकर आई थी ना घर में। तेरी करनिया तू ही संभाल और पूछ उससे कि क्यों चोरी की उसने। अच्छा एक बात का जवाब दो अम्मा मुझे, तुम्हारे जो ये पैसे हैं घर में रखे रखे कौन से अंडे बच्चे दे रहे थे? कहीं ना कहीं तो खर्च होने थे ना। तो तुम समझो अम्मा कि तुमने ये पैसे अपने हाथों से उनको दे दिए। ज़ाहिर है शहजादी को छुड़ाने के लिए पैसे तो देने थे ना। हाँ सारी चट्टियाँ भरने के लिए एक माँ ही तो रह गई है, कुछ तो शर्म कर दो, कुछ तो गैरत कर। काम पे भी तो खुद ही रखवाया था ना, मैंने तो नहीं कहा था। हाँ तो मना भी तो मैंने ही किया था ना कि शहजादी की शादी करनी है। अब मैं गुलाम साहब को क्या कहूँ कि मेरा बेटा आसमान से उतरी परी ब्याह कर ले आया है। वो बेचारे क्या करेंगे जो सारी तैयारी करके बैठी हूँ। हाँ तो मैंने कब मना किया उसकी शादी करने से, और वैसे भी जब उनको करनी होगी तो कर लेंगे। शहजादी की शादी किसी से नहीं होगी, बच्ची है वो, स्कूल जाने की उम्र है उसकी। ना तू क्यों बीच में आई है, तुझसे किसी ने मशवरा मांगा है? तू खामखा बोल रही है, ये देख नहीं रही माँ बेटा बात कर रहे हैं, बीच में तू आ गई, क्या दफा हो? ऐसे ही करती अगर मेरी बेटी ना होती तो। मैं आपसे फिर कह रही हूँ अपने दिल से शहजादी की शादी का ख्याल निकाल दें और वो पैसे वापस करें जो आपने उसे बेच कर लिए। सुन रहा है जुल्फी, कैसे गंदे इल्जाम लगा रही है ये मुझ पर। आयजा जबान संभाल के बात करो, मेरी माँ के बारे में बोल रही हो तुम। बच्चे पैदा कर लेने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती, और अगर किसी की माँ होती ना तो अपनी पोती के बारे में इतनी घटिया सोचना रखती। आवाज ऊंची कर लेने से सच को झूठ में नहीं बदल सकते हो जुल्फी। ये तो माँ नहीं बन सकी, तुम ही बाप बनकर दिखा दो। बेटी है वो तुम्हारी, तुमने पैदा किया उसे, तुम वाली हो उसके, क्यों उसे किसी बोझ की तरह अपने सर से उठा के फेंक देना चाहते हो तुम? और अपने बाप के बारे में क्या ख्याल है, वो भी तो तुझे हमारे दरवाजे पर छोड़ के चला गया। हाँ तो होंगी मैं अपने बाप के लिए बोझ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि शहजादी भी मेरे लिए बोझ है। मैं देखती हूँ किस तरह कराती आप शहजादी की शादी किसी से। अच्छा ना अम्मा मैं करता हूँ कुछ, मिल जाएंगे पैसे। चलो ठीक है। अब क्या जरूरत पड़ गई अम्मा को पैसों की? अरे वो मांग नहीं रही, उसके पैसे चोरी हो गए। तो कुछ पता चला किसने चुराए पैसे? अम्मा को लगता है